नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक अपवावेग तथा विभवांतर में संबंध। इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें अपवावेग तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। देखिए विद्यार्थी, अपवावेग को VD से लिखते हैं, विभवांतर को V से लिखते हैं और इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन स्थापित करेंगे। इसके लिए हम एक चालक लेंगे, उस चालक पर विभव आरोपित करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे, जिससे उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करेंगे, जिसको हम अपवावेग कहते हैं। और उस अपवावेग और आरोपित विभवांतर के बीच में हम यहाँ पर रिलेशन स्थापित करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक चालक है और इस चालक की जो लंबाई है वो L है। यहां से इसके ऊपर हमने V विभवांतर लगा दिया है। आप तो चाहे बैटरी को इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि ये हमने V वोल्ट की बैटरी यहां पर संयोजित कर दी है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सिरे तथा इस सिरे के बीच में जो विभवांतर है वो V है, चालक की जो लंबाई है विद्यार्थियों वो L है और जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। हालांकि हम उसको देखिए विद्यार्थी इस तरीके से दिखा रहे हैं, हम ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, धनावेश टर्मिनल की ओर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करेंगे, ऋणावेश टर्मिनल से धनावेश टर्मिनल की ओर गति करने वाले हैं। चालक की लंबाई हमने L ले ली है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, विभवांतर इसके ऊपर है V लगाया है, इसके सिरों पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम E से पुट कर देंगे। तो जो चीजें आप लेकर चल रहे हैं उन सबको तो हम पहले ही पुट कर देंगे। जो चालक है उसकी लंबाई L लेकर चल रहे हैं, चालक पर आरोपित विभवांतर है विद्यार्थियों वो हम लेकर चल रहे हैं V। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान हम M लेकर चलेंगे और किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की बात करें, चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र हम लिख देते हैं। पहले जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम पुट कर दें कि विद्युत क्षेत्र E लग गया है, पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र E अप्लाई किया है हमने। देखिए विद्यार्थी, यहां पर आप देखेंगे चालक में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर होता है विद्यार्थियों M इंटू ए। M यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M E से भी पुट कर सकते हैं, मैंने यहां पर M से ही पुट किया है। इसके अलावा आप लगने वाले बल को F बराबर Q इंटू E से भी लिखते हैं, और यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो माइनस में E इंटू कैपिटल E लिखेंगे। उसके पीछे रीजन समझेंगे विद्यार्थी, यदि आप इसको सदिश रूप में लेंगे तो ये भी सदिश रूप में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आता है। वैसे आवेश का जो परिमाण है वो तो क्यू ही रहेगा। और जो समीकरण इसको हम दे देंगे 2, समीकरण 1 = 2 से 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे, आपके पास में आ जाएगा M into A = -E into E, और A = आ जाएगा -E into E upon m। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो आ गया है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास में अभी रिलेशन नहीं आया है, हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे गति का प्रथम समीकरण। हम जानते हैं गति का जो पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण है, वो क्या होता है।
देखिए विद्यार्थी, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, और v यहां पर होता है अंतिम वेग, और इस अंतिम वेग को विद्यार्थी जो इलेक्ट्रॉन है उसका अंतिम वेग vd से लिखा जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन का जो जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है तब उनका औसत वेग शून्य होता है। u यहां पर शून्य है जो कि प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था तो उस स्थिति के अंदर जो विद्यार्थी अफवाह वेग होता है वो होता है शून्य, और अंतिम वेग उसका अपवन वेग के बराबर हो जाता है। टी यहां पर टो के इक्वल है जिसको हम विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, VD इक्वल टू जीरो प्लस A टो हो जाएगी, और यहां से A की वैल्यू उठाकर हम उसमें पुट कर देंगे। तो समीकरण तीन को उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, VD इक्वल टू यहां से एक की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में आ रहा है माइनस में E इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इंटू टो। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अपवन वेग में संबंध को व्यक्त करता है। ये जो रिलेशन है, उपरोक्त समीकरण किसको बता रहा है विद्यार्थियों, आपको विभवांतर के अलावा यदि विद्युत क्षेत्र तथा अपवन वेग के बीच में संबंध पूछे तो यहां तक करना है, ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। विद्युत क्षेत्र को हम इसे पुट करें, वह अपवन वेग कह दीजिए, अफवाह वेग कह दीजिए, VD से हम पुट करते हैं, मैं संबंध को व्यक्त करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम विभवांतर के टर्म्स में इसको पुट करेंगे। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो विद्यार्थियों, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं, E बराबर होता है V बाई L। यहां पर जो चालक है उसकी लंबाई हमने L ली है, तो V बाई L इसमें पुट कर देंगे। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर पांच, समीकरण पांच को समीकरण चार में रखने पर जब समीकरण पांच को उठाकर समीकरण चार में पुट कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा VD इज इक्वल टू यहां से माइनस में E इंटू टो अपॉन M और V बट्टे में L। L मैंने यहां पर पुट कर दिया है, इसको मैं ऐसे पुट कर दूं तो ये रिलेशन आ गया है हमारे पास में, विद्युत विभवांतर तथा अपवन वेग के बीच में संबंध। विद्युत विभवांतर को V से, अपवन वेग को VD से, VD बराबर होगा माइनस में E टो अपॉन M इंटू L इंटू वी। यहां ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो एल है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये जो संबंध है वो समझ में आया होगा। इसके बाद में जो वीडियो हम देखेंगे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की।